हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल। तो आज हम बात फिर से करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि आज का मार्केट जो था थोड़ा सा आज अपसाइड में गया था। मार्केट यहां पे आप देखिए, यहां से जो मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कहाँ तक मूव गई थी, सो तकरीबन 1-1.5% तक ये मार्केट ऊपर को गया था, लेकिन फिर से मार्केट नीचे को आने पर स्टार्ट हो गया है। सो उसके बाद मार्केट 3-4 बार ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। सो बीयर्स और बुल्स में बहुत ही घमासान लड़ाई चल रही है। इसी बीच जो आईआरसीटीसी का स्टॉक है उसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं देख लीजिए आप, 2 दिन पहले यहाँ पे ये 5% नीचे का सर्किट लगा, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी। उसके बाद यहाँ पे सीधा आ गया। उसके बाद यहाँ पे ना बाइंग हुई ना सेलिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे लोग खरीदने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए यहाँ पे बाइंग हुई नहीं, और बाइंग नहीं हुई तो सेलिंग भी नहीं होगी। उसके बाद अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग भी नहीं हुई, सेलिंग भी नहीं हुई, और आज फिर ऐसा ही हुआ। आज देखिए, अब आज फिर से यहाँ से 5% नीचे का सर्किट लगा, और यहाँ से जो मार्केट थी वो आईआरसीटी का शेयर था वो 5% नीचे तक था। लेकिन उसके बाद जो एक न्यूज़ आई थी कि जो यूएसए की मार्केट थी वो आज थोड़ा सा अप ट्रेंड में रही, और यहाँ पे डाउ जोन्स इंडस्ट्री जो बहुत ही बढ़िया इंडेक्स है उनका यूएसए का, यहाँ पे वो 5% तक बढ़ा। इसी हिसाब से हमारी जो इंडियन मार्केट है वो भी पहले इसी इंडियन मार्केट जो थी वो देख सकते हैं आप, नीचे को आ रही थी। आप देखिए यहाँ से नीचे को आ रही थी, लेकिन यहाँ पे भी जो आज इंडिया की मार्केट है वो भी यूएसए की मार्केट को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा आज ऊपर को गई और ग्रीन कैंडल में थोड़ा सा शो कर रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक है वो तकरीबन 0.36 तक बढ़ा है, लेकिन ये 1% तक बढ़ गया था आज। उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को चालू हुई है। यहाँ पे आईआरसीटीसी का शेयर है उसका भी यही हाल था। तो यहाँ पे इसने, यहाँ पे देखिए अब यहाँ से ये बिल्कुल अपना जो 2 दिन पहले का लेवल था यहाँ पे इसने इसको टच करने के बाद यहाँ से फिर से नीचे को आ गया। सो इसमें आपको अब करना क्या चाहिए, मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में आपको बताया था कि ये जो आईआरसीटी का शेयर ये टोटली जो है वो ट्रेन बेस्ड शेयर है। जहाँ ट्रेन में जैसे ही कोई कोई बात होती है, जहाँ से भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ से पैनिक बहुत शुरू हो गया है लोगों में, और लोग वहाँ पर जाना बंद कर रहे हैं। सो ट्रेनों में भी ऐसा ही होता है, जैसे ही ट्रेनों में लोग जाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग ज़्यादातर अपने घरों में ही रह रहे हैं और ट्रैवलिंग से थोड़ा दूर ही रह रहे हैं। इसी हिसाब से आईआरसीटीसी का शेयर है वहाँ, उसमें थोड़ी सी इनकम जो कम हो गई है उसी हिसाब से लोग वहाँ पर जा नहीं रहे, और नीचे इसका जो सारा मार्केट है वो नीचे को आ रहा है, और ऐसे आईआरसीटीसी का शेयर जो है वो भी नीचे को आया है और आ रहा है। सर उसके बाद और भी ये शेयर जो है नीचे को आ सकता है। सो मैंने आपको पहली पिछली वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो शेयर ये 600 रुपये से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे 2000 मतलब कि 300% का मुनाफा इसने दिया था, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड था। और यहाँ पे जो आप अब देख सकते हैं नीचे अब सिर्फ 40% जो है वो नीचे को शेयर आ गया है। सो आप देख सकते हैं 2000 रुपये से लेके ये 1200 रुपये तक शेयर जो आ गया है। सो आपको यहाँ से मैं एक और बार कहता हूँ कि आपको यहाँ पे आप निकल नहीं सकते थे परसों, और कल भी आप नहीं निकल सकते थे क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो ही नहीं रही थी। सो आज का दिन जो है आज थोड़ा सा अच्छा दिन है आपके लिए भी, यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर गई है मार्केट, जिनके पास यहाँ पे शेयर है वो वहाँ से निकलना चाहते तो निकल सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये शेयर और भी नीचे आ सकता है, और लोगों को और जो ट्रेनों में लोग सफ़र कर रहे हैं वो और भी कम हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जाएगा, और इसका जो शेयर उसके हिसाब से ये और भी नीचे आ सकता है। और ये अभी भी कहते हैं ये 600 रुपये का शेयर था, अभी 1200 मतलब कि 6 महीने में तकरीबन इसने 100% अपना दे दिया, 100% आपको रिटर्न दिया है। अब अगर आप यहाँ पर बेच देते हैं तो ये भी अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ओवरऑल बहुत ज़्यादा अभी भी ओवरबॉट की कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग जो है वो 1,17,000 है और सेलिंग जो है 1,45,000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलिंग का प्रकोप अभी भी यहाँ पे ज़्यादा है, और आज जो है सेलिंग के साथ साथ आज बाइंग भी हो रही है। सो इसी हिसाब से आप यहाँ से अभी आज के दिन मार्केट से अगर निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। सो ये देखिए सुबह ये शेयर कहाँ तक गया था, अभी आप देख सकते हैं ये शेयर अभी 60% नीचे आ गया है जहाँ से इसने अपना हाई आज क्लिक किया था। तो आज मैं इसको आपका दिखा देता हूँ 15 मिनट के चार्ट में शेयर का सारा प्रकोप। सो यहाँ पे देखिए आप, ये जो दिन है यहाँ पे ना बाइंग हुई ना सेलिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई
आदमी खरीदने को तैयार ही नहीं था। सो आज इसलिए खरीदने को तैयार हुए क्योंकि यूएसए की मार्केट जो थी वो थोड़ा आज ऊपर बंद हुई, और उसी को देखते हमारी इंडियन मार्केट जो है वो भी आज थोड़ा सा ऊपर ही है। यहाँ पे देखिए आज पॉजिटिव में थोड़ा सा नजर आ रही है। इसी हिसाब से जो IRCTC का शेयर था वो भी आज पॉजिटिव थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडियन शेयर मार्केट थोड़ी पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे भी बाइंग स्टार्ट थोड़ी हो जाती है। सो यहाँ पे आप देखिए यहाँ से मार्केट खुला, फिर आज ये भी खुला नीचे ही, देखिए आप यहाँ पे ही खुला था। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अगले दिन खुला, उसके बाद यहाँ से लेके ये यहाँ तक खुला, लेकिन यहाँ से लोगों ने खूब बाइंग की कि शायद आज मार्केट ऊपर पूरा जाएगी, लेकिन पहले 15 मिनट के बाद फिर से मार्केट ये नीचे को आना स्टार्ट हुई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर से ये मार्केट नीचे को आना स्टार्ट हुई। सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे इसका ओवरऑल देख लीजिए कहाँ से कहाँ जा रही है मार्केट। सो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ से अब सिर्फ नीचे ही आ रही है मार्केट, और इसका अभी कोई भी लग नहीं रहा है कि ये ऊपर जाने को तैयार है। सो आपसे मेरी यही विनती है कि अगर आज के दिन, क्योंकि कल का दिन फिर नहीं पता लगेगा, अगर यूएसए की मार्केट कल के दिन नीचे गई तो यहाँ पे ये फिर से लोअर सर्किट लगेगा और यहाँ पे बाइंग बिल्कुल भी नहीं होगी। सो आप फिर से फंस जाएंगे यहाँ पे। सो आपका यहाँ अच्छा निकलने का, अगर आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है, मेरी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करें या सेल करें, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर कल के दिन मार्केट फिर से नीचे रेड कैंडल में अगर स्टार्ट हुई और यूएसए की मार्केट भी कल रेड कैंडल में गई तो यहाँ से फिर से यहाँ पे बाइंग जो है बिल्कुल भी नहीं होगी। सो आपके पास सिर्फ आज का दिन ही है, आप यहाँ पे अगर बाय कर सकते हैं, सॉरी आप अगर यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है तो आप सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई आपका कहने का रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं कि बाय करें या सेल करें। सो यही मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे कल के दिन का पता नहीं, आज के दिन यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो रही है, आप अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, क्योंकि कल का दिन अगर नीचे आया तो आप फिर यहाँ पे बाइंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसे आप यहाँ पे 2 दिन देख सकते हैं IRCTC के शेयर के ऊपर, यहाँ पे 2 दिन बिल्कुल भी बाइंग नहीं है। आप वॉल्यूम देखिए बिल्कुल जीरो के मुताबिक है वॉल्यूम, और आज इसका थोड़ा सा वॉल्यूम है, और मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप देख लीजिए आज क्या करना है। और ये सुबह जो था ये तकरीबन 2-3% यहाँ पे IRCTC का शेयर जो बड़ा था, लेकिन अब फिर से देखिए आप ये फिर से माइनस में आ गया है। सो इसके ओवरऑल चांसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि मार्केट अगर अप है तभी ये नेगेटिव में दिखा रहा है। सो इसमें लोगों का ज़्यादातर जो है यहाँ पे आप देखिए सेलिंग ही चालू है, जो जो लोगों ने यहाँ पे अटके हुए थे वो आज निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इससे निकला ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ से बाइंग हुई ही नहीं। सो मार्केट ने जो था वो तो नीचे खुलना ही था, लेकिन यहाँ पे ऊपर तभी जाता ही अगर यहाँ पे बायर्स होते, लेकिन यहाँ पे बायर्स बिल्कुल भी नहीं थे। सो आज मार्केट में तो लोगों को बायर्स मिल रहे हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे आज निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप भी देख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे और भी ऐसे टिप्स वगैरह जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे मेरे टेलीग्राम लिंक चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और भी आपकी अगर IRCTC के लेके क्वारीज है तो आप यहाँ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सो